मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी और कालशेखर हॉस्पिटल की तरफ से एक मल्टी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था और इस मेडिकल कैंप के आयोजन से पहले जो है 3 दिन तक इस मेडिकल कैंप में जो पेशेंट आने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और आज 23 फरवरी को जो है यहाँ पर मेगा कैंप का जो है आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुँचे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें देखा गया कि जो है महिलाएँ जो है सबसे ज़्यादा इसमें उपस्थित रहीं। और यहाँ पर जो है कालशेखर हॉस्पिटल की CEO आफरीन मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये कैंप यहाँ पर किया गया था, इस कैंप में जो है किस तरह के सबसे ज़्यादा पेशेंट आए और लगभग कितने पेशेंट आए यहाँ पर और कितने पेशेंट को जो है कालशेखर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैडम आप बताइए किस तरह का जो है आपको यहाँ पर जो कैंप लगाया गया इसमें जो है किस तरह के सबसे ज़्यादा पेशेंट आए? सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर थे जो वो आँखों की बीमारियों के थे, ऑप्थाल्म के लिए तकरीबन 1027 पेशेंट्स उसके थे। उसके बाद जो पेशेंट थे वो जनरल फिजिशियन और चेस्ट फिजिशियन के लिए थे जो 700 पेशेंट थे। फिर 425 कार्डियक के पेशेंट थे, जनरल सर्जरी और यूरो मिला के तकरीबन 200 के करीब पेशेंट थे और बाकी ऑर्थो की हड्डियों की बीमारियों के 350 के करीब पेशेंट थे। जो टोटल पेशेंट का काउंट आया है वो 2865 पेशेंट है। ये रजिस्टर्ड पेशेंट है, काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो अनरजिस्टर्ड भी थे और डायरेक्टली भी आके उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, तो हमारे हिसाब से तकरीबन 3000 पेशेंट्स का हमने यहाँ पे इलाज कराया है जिनमें से 11 पेशेंट अभी कालशेखर में एडमिट भी हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको TB, कैंसर या और भी कुछ ऐसी बीमारियाँ थी? कैंसर के पेशेंट हैं, 3 सर्जरी हैं कैंसर के और 10 कीमो की है। TB के पेशेंट यहाँ पे नहीं आए हैं। काफ़ी सारे पेशेंट हैं TB के, कम से कम तकरीबन 35-40 के ऊपर आए हैं। TB के भी 35-40 पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं जिनका इलाज डॉक्टर अजहर ने किया है और उनको आगे का ट्रीटमेंट जो है वो बताया गया है। TB के पेशेंट जैसे आए तो मुंब्रा में काफ़ी जो है TB के मरीजों के लिए जो है काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि दवा उनको जो है सरकारी अस्पताल से भी नहीं मिली, तो अगर आपके कैंप के ज़रिए यहाँ पर जो TB के पेशेंट जो है चिन्हित किए गए हैं यहाँ पर आए थे तो क्या आपके अस्पताल के तरफ से उनका इलाज किया जाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगी, TMC में हमारी बात हो चुकी है जब केंद्र साहब से, तो हमारे यहाँ पर TB की एक टीम बैठी हुई है उनकी जो TB का पूरा टेस्ट भी फ्री करती है और दवाइयाँ भी फ्री करती हैं। जो कालशेखर में रिसेप्शन पे वो टीम बैठी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। जो हमारे पास आते हैं हम उनको वहाँ डायरेक्ट करते हैं और उनका पूरा इलाज मुफ्त में होता है। कुछ हड्डी के ऐसे डॉक्टर पेशेंट आए हैं यहाँ पर जो हड्डी के सर्जरी और जिसे और भी कुछ अलग तरह की कुछ बीमारियाँ अगर किसी में पाई गई? अलग तरह की बीमारियां जो है वो आँखों के रेटिना के काफ़ी पेशेंट्स थे। जो रेटिना सर्जरी होती है हमारे पास इंजेक्शन के इससे होती है, पूरे मुमरा में इंजेक्शन से ये सर्जरी कहीं पे नहीं होती है। वैक्ट जुपिटर के बाद हमारा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे इंजेक्शन से हम ये इलाज करते हैं। कार्डियक के बहुत पेशेंट थे जिनको बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी लगने वाली है, वो पेशेंट पैसों की वजह से या किसी और वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो वैसे भी काफ़ी। जो दिल के मरीज है ये कितने यहाँ पर आए थे? 450 के करीब दिल के मरीज यहाँ पे आए थे जिनमें से 68 मरीज को बाईपास और प्लास्टी लगने ही वाली है और बाकी के जो मरीज़ हैं उनको एंजियोग्राफी एडवाइस किया गया है। 450 के करीब ये है, तो ऐसा आखिर मुंब्रा शहर में ऐसा क्या है कि जो है दिल के मरीज़ जो है इतनी बड़ी तादाद आखिर क्यों है? कुछ खान पान में बदलाव होना चाहिए या कुछ और उसका उपाय? फूड हैबिट्स, ऑफकोर्स फूड हैबिट्स यहाँ पे है। यहाँ की औरतें खासकर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, वो घर के काम में इतनी मसरूफ़ रहती हैं कि बाहर नहीं निकल पाती हैं। अच्छा, ये महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की तादाद ज़्यादा? यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज़्यादा थी। महिलाओं में किस तरह का ये खान पान होना चाहिए कि जो है दिल पे जो है इस तरह का वो हार्ट अटैक जैसी बीमारी ना हो, इसके लिए कुछ ऐसा है आपके पास तरकीब जो लोगों तक जानकारी पहुंच सके? जी, हमारे पास डाइटिशियंस हैं, हमारे पास फिजिशियंस हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इस कैंप में भी हमने डाइटिशियन को उसी हिसाब से लाया था कि खाने पर कैसे कंट्रोल होना चाहिए। हमने फिजियोथेरेपिस्ट को भी उस हिसाब से लाया था कि क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जिसकी वजह से ये बीमारियाँ टाली जा सकती हैं। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या? पहले आप? मेरा नाम डॉक्टर अजहर खान है। तो आज आप इस कैंप में थे तो जो पेशेंट आ रहे थे आपको क्या लग रहा था कि जो है इनका किस तरह की बीमारियां हैं और आखिर ये बीमारी उनको हुई क्यों, क्या इसका कैसे आपको देखा है? मेरे पास जो मोस्टली पेशेंट थे लाइक जैसे कि ब्रोंकल अस्थमा के, निमोनिया के, COPD के, जो कि क्रोनिक पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट शायद तकरीबन सारे पेशेंट को 15-20 साल के ऊपर से ही बीमारियाँ हैं, वो जिसके लिए कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो दवाइयाँ बराबर टाइम पर नहीं लेते हैं। कोई ये कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता,
कोई ये कहता है कि मैं थक गया हूँ इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। जैसे अभी आज पेशेंट थे ऐसे जिनमें कुछ डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी थे, जो डायबिटीज़ की गोली लेना, फिर COPD की लेना, अस्थमा की लेना, वो सारी उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनका ऐसा है कि वो दवा भी लेना है साथ में, फिर उनको टबैको भी खाना है, स्मोकिंग भी करना है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं कर सकते। यानी उनको जो है परहेज करना पड़ेगा, अगर दवा खा रहे हैं तो टबैको वगैरह का जो है इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैंने आज बहुत सारे काफ़ी सारे पेशेंट को एडवाइस भी किया है कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप दवा ले रहे हो तो बेहतर है कि आप स्मोकिंग, टोबैको ये सब बंद कर दीजिए। अगर वो नहीं बंद करोगे तो दवा का कोई असर नहीं होने वाला शरीर। यानी कहीं ना कहीं वो दवा भी बराबर नहीं कर रहे हैं और जो चीज़ उन्हें नहीं खाना चाहिए वो चीज़ भी वो खा रहे हैं। मैंने आज पेपर भी मेंशन किया है कि आप कोई दवा नहीं, आप ये बंद नहीं करोगे अस्थमा पेशेंट को, स्मोकिंग वगैरह बंद नहीं करोगे तो ये पंप या इनहेलर जो भी हम देते हैं उनको, वो उन पर कोई असर नहीं करने वाला है। फिर वो क्रोनिक बन जाती है जिससे फेफड़े जो एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, इन्फेक्शन बॉडी में और ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से TB होने का जो है ख़तरा बढ़ते जाता है। अच्छा, कितनी प्रकार की TB की बीमारी जो होती है और लगभग कितने सालों तक इसका इलाज करने में ये ठीक होता है? ये डिपेंड करता है कि TB कौन सी प्रकार की है। जैसे XDR TB होता है, MDR TB होता है, पल्मोनरी कॉक्स होता है, किसी को नया नया डायग्नोस होता है तो किसी का TB डिपेंड करता है कि 6 महीना चलता है, 9 महीना, 12 महीना। मगर इसमें कुछ TB ऐसा रहता है कोई अपनी खुद की गलतियों की वजह से नहीं दिखाता है। जैसे आज पेशेंट था, दो पेशेंट थे जिनको आज मैंने एडमिट भी किया था। TMC के जो हॉस्पिटल है ऐसे पेशेंट उसमें हमें मिले हैं, करीब 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए उनका अस्पताल में TB के इलाज चलता ही रहता है, लेकिन वो ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वही कारण है, टोबैको स्मोकिंग। छोटी छोटी बच्चियों का भी देखा गया, कुछ दिन पहले TB की बच्ची जो है एक छोटी सी, उसका डेथ हो गया, 2-3 साल से उसका इलाज चल रहा था, इसी जानकारी सामने आई थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कौन सी वो TB रहती है कि वो बढ़ती ही जाती है? जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि एक बच्ची का इंतकाल हुआ है TB से, या तो उसको MDR TB होगा जो सबसे खतरनाक वाली होती है, उसमें दवा वगैरह सब कुछ टाइम पर सही से लेना होता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं दवा का डोज भारी रहता है और उनकी हालत जो रहती है बहुत कमज़ोर रहती है, जैसे उनका वज़न कम होता है, वो उस बॉडी उतना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो TB में कभी कभी पेशेंट जो है एक्सपायर भी होता है, इंतकाल भी पॉसिबल है। मगर बच्चों में हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनको हमें एडमिट करके ट्रीट करें तो बेहतर है। ख़ासतौर पर इस TB की बीमारी में छींकना, खांसना ऐसे तौर पर क्या जो है मास्क लगाना ज़रूरी है? ज़रूरी है, जिसमें जो ख़तरनाक वाली TB होती है, XDR TB, MDR TB होती है, उसमें हमें मास्क लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है किसी को भी लग सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सामने वाले का अगर बॉडी ऑलरेडी कम है, अगर वो नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है उस सब चीज़ों के लिए, तो उसको जल्दी कैच कर लेगा। शमीम भाई, इस कैंप से जो है आज देखा गया है कि काफ़ी महिलाएं जो है वापस गई हैं, वो डॉक्टरों से जो है मिल नहीं पाई, अपना चेकअप नहीं करा पाई, तो काफ़ी नाराज़गी भी उनमें देखी गई है। तो क्या आपके द्वारा जो है, आज तो कैंप ख़त्म हो चुका है लेकिन आगे फिर जो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और वो चेकअप नहीं करा पाई, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? 2,865 लोगों का यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ने चेकअप किया, पता है मैडम ने भी आपको पूरा डिटेल दिया उन्होंने आपको, 2,865 का अभी भी यहाँ पे लिस्ट रेडी है, आप दिखा सकते कैमरे के माध्यम से। सेकेंड थिंग यह है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ मैम भी थे, हम भी थे और आप भी थे, हमने वहाँ पे 21 और 22 तीन डेट का हमने ऐलान किया था कि तीन डेट के अंदर आपको 9:30 सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5:30 तक आपको आना है, आके रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ऐसा हो सकता है आप जो कह रहे हैं, जो मुझे मालूमात नहीं है कि कुछ लोग आए होंगे कि जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन आज का टाइमिंग 9:30 to 5:30 का था, अभी टाइमिंग हो चुका है 6 बज चुका है और डॉक्टर अभी भी चेकअप कर रहे हैं पेशेंट का। तो अगर कुछ लोग छूट गए होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, मैं आपकी इस बात को मान सकता हूं, तो उनको मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप कालशेखर जाइए हॉस्पिटल, मैम वहां पे मौजूद हैं 3rd फ्लोर पे, बाकी डॉक्टर्स उनकी टीम है, आप उनसे कंसल्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको रजिस्ट्रेशन करके जो कैंप, मेडिकल कैंप यहाँ पे मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक कालशेखर साहब की याद में लगाया गया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2,865 लोगों को ट्रीटमेंट हुआ, उनका एक्सरे रिपोर्ट हुआ, बताया मैम ने कि 7 लोग, मैम कितने लोग एडमिट हैं, 11 लोग एडमिट हैं और बहुत सारे पेशेंट उसमें कैंसर के भी मिले हैं, डॉक्टर साहब बताए TB के पेशेंट मिले हैं। इस्लामुद्दीन साहब, ये वो मल्टी मेडिकल एंड सर्जरी कैंप है जो मैं कह सकता हूँ कि मुंबई के अंदर शायद इतना बड़ा अब तक कहीं पे कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होगा,
ये मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के प्रयासों से और मैडम के सपोर्ट से, कालशेखर के सपोर्ट से इस प्रोग्राम को और आयोजित किया गया है। इंशाल्लाह ताला आगे भी इस तरीके के अच्छे पहल जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है आगे भी करती रहेगी। हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि हर 2 मंथ के अंदर हम मैडम से बात करके, जो हमारी CEO हैं कालशेखर की, हम मुमरा कौसा में ही नहीं बल्कि मुमरा कौसा कलवा सिल दीवा में भी कैंप लगाएंगे। क्या माना जाए कि कालशेखर हॉस्पिटल और NCP की तरफ से इसी तरह से अब जो है हर 2 महीने में कैंप का आयोजन होता रहेगा? मैं तो मैडम के सामने ये कहता हूँ, आपके प्रहार टाइम्स के माध्यम से मैडम से कहता हूँ, मैं इत्तेफाक से मैडम बाजू में बैठी है मेरे, तो मैडम से मैं ये कहता हूँ कि मैडम आप हर 2 मंथ के अंदर ही नहीं बल्कि आप 1 महीने में अगर दे सकें तो आप, जिस कैंप की बहुत ज़रूरत है इस्लामुद्दीन साहब, आज मुझे देखिए, अभी आप दिखा दीजिए, खाला खड़ी है यहाँ पे, खाला बैठ जाइए, आप आइए बैठ जाइए, देखिए खाला खड़ी हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है कैंप की। तो मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ कि इस तरीके का आगे का और भी कैंप लगाया जाएगा जो ऐसे लोगों को उसका फ़ायदा मिले, जो उसके मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जिनको उसकी ज़रूरत है। यह हक उनका है, यह हक शमीम खान का नहीं है, यह हक कोई ऐसे लोगों का नहीं है, ये हक उनका है जिसके लिए ये स्कीम बनाई गई है, जिसके लिए हमारे मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी प्रयास किया और आगे भी करेंगे। मुझे मैडम ने कहा कि शमीम भाई डायलिसिस की मशीनें कम है कालशेखर के अंदर, मैडम मैंने आज ही बात किया साहब से, मैंने कहा सर, मैडम ने मुझे कहा है कि वो मशीनरी की ज़रूरत है, आप बात कीजिए कमिश्नर साहब को, उन्होंने कहा आप मुझे लेटर दो, हम आपको करा करके मुहैया देते हैं मशीन डायलिसिस की। इस तरीके से इस्लामुद्दीन साहब, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग इंशाल्लाह ताला कालशेखर का पूरा सपोर्ट करते हुए, क्योंकि अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी नाइंसाफ़ी होगी, सपोर्ट करते हुए हम लोग इंशाल्लाह ताला मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में इस तरीके का कैंप हम लोग हर जगह चलाने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज यहाँ पर मेगा कैंप का जो है आयोजन किया गया था और लगभग 3000 पेशेंट यहाँ पर आए हुए थे और जिसमें से 11 लोगों को जो है कालशेखर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो 11 लोग एडमिट किए गए हैं वो जिस योजना के तहत ये मेगा कैंप लगाया गया था उस योजना से बाहर थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कालशेखर हॉस्पिटल जो है उन 11 लोगों का जो है ट्रीटमेंट कर रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से कालशेखर हॉस्पिटल और NCP की तरफ से हर 2 महीने में इसी तरह का मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।